ओके, क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंकित इफ हिज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर एंड थ्राइस द एज ऑफ हिज ब्रदर, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 55 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन लोग है? अंकित है, अंकित की सिस्टर है, ठीक है, फिर कौन है? अंकित है, अंकित का ब्रदर है। तो क्वेश्चन बोलता है अंकित अंकित का जो एज है अपने सिस्टर का ट्वाइस है, मतलब कि सिस्टर अगर 1 साल की होगी, ठीक है, तो अंकित कितना होगा? इसका ट्वाइस होगा, 2 साल का होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि ब्रदर के एज से थ्राइस है, यानी कि अगर ब्रदर के एज अगर 1 साल होगा तो अंकित के एज इस हिसाब से कितना होगा? 3 साल होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अंकित है, यहाँ पर भी अंकित है, ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे? ये 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हम लोग क्या मिल जाएगा? अंकित, उसकी बहन और उसका भाई, ये तीनों का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि 3 2 6, ठीक है, 3 1 3 एंड 2 1 2, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 6 है दोनों। तो ये क्या हो गया, हम लोग को तीनों का इक्वेशन मिल गया। अब बोल रहा है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 55 ईयर्स, यानी कि 6x + 3x + 2x कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है, यानी कि 6 3 9, 9 + 2 11, 11x, 11 से 5 कटा, यानी कि x का वैल्यू निकल गया हम लोग को 5, ठीक है। तो क्या निकालना है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंकित। अगर प्रेजेंट एज ऑफ अंकित निकालना है तो अंकित का एज कितना है? 6x है, यानी कि 6 5 30 ईयर्स, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हूँ।